ड्यूरिंग द बॉडी में हम लोग जो है रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ चुके हैं, डाइजेशन और डाइजेशन सिस्टम, हेल्दी डाइट, एनर्जी फ्रॉम फूड और एंजाइम्स, इतना हम लोग इतने चीजों के बारे में हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, माइक्रोकॉन्ड्रिया और फूड प्रोसेसर। इसके बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, समझेंगे कि ये आखिर है क्या, होता क्या है, फ्यूलिंग द बॉडी में इसका क्या रोल है। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है, कोई बता सकता है? बोलो। माइक्रोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऑर्गेनेल है। सेल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेल का एक ऑर्गेनेल बोलते हैं, सेल का एक पार्ट है। कौन पढ़ाया थे? हम पढ़ाया था। अच्छा, आपको तो याद ही नहीं है। बैठ जाओ, वेरी गुड, तालियों बजा दिया करो यार, इतना जोर से। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फूड मॉलिक्यूल्स कंटेन ट्रैप्ड केमिकल एनर्जी जस्ट एज पेट्रोल पुट इनटू अ कार कंटेनिंग ट्रैप्ड एनर्जी। जो हम लोग का जो खाना होता है, जो खाते हैं, जो फूड मॉलिक्यूल्स जो इंटेस्टाइन में जाकर के फूड करके जो बनता है, वो क्या करता है, एनर्जी रखता है, केमिकली एनर्जी होता है उसमें। क्या होता है? वैसे ही जैसे पेट्रोल जो है उसमें क्या होता है, एनर्जी होता है, तभी तो कार चलती है ना। इसी तरीके से है, लिविंग सेल रिलीज द एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो लिविंग सेल होता है वो क्या करता है, इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी रिलीज करता है, जिसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स सच एज सुगर्स आर मेड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सुगर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। द रिएक्शन ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स इन सुगर एंड सो रिलीज ट्रैप्ड एनर्जी। ये रिएक्शन क्या करता है, केमिकल बॉन्ड, केमिकल सुगर में जो केमिकल बॉन्ड होता है उसको तोड़ करके ट्रैप, जो एनर्जी जो उसमें ट्रैप रहती है, जो बंधी रहती है, फंसी रहती है, उसको क्या करता है, ये रिलीज कर देता है। समझे, ये रिएक्शन। और फिर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस एज बाई प्रोडक्ट्स। और जब ये एनर्जी रिलीज हो जाती है, जब ये एनर्जी रिलीज हो जाती है किससे, सुगर और ऑक्सीजन से, सुगर और ऑक्सीजन मिलकर रिएक्शन करता है ना जी। रिएक्शन करने के बाद जब वो टूटता है, टूट करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कब बनता है, जब उसमें से एनर्जी रिलीज कर ली जाती है, एनर्जी अलग कर ली जाती है। मेन आपको बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी ही चाहिए ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर क्या हो गया, अदर प्रोडक्ट हो गया, जो वेस्ट है। क्या है, वेस्ट है, जो यूरिन के जरिए और ब्रीथ के जरिए बाहर निकल जाता है। कोई कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं ना, ज्यादा कंफ्यूजन में तो नहीं बता रहे हैं। आगे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड इज पॉइजनस इन लार्ज अमाउंट। बहुत बड़े मात्रा में, क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। जैसा हम आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं कि टोबैको और जो लोग स्मोकिंग करते हैं
उससे कितना नुकसान होता है, बताया है ना? हाँ, तो वो क्या करेगा, वो उस सब चीज से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और जब लेयर बाय लेयर हमारे लंग्स पे धुआं बैठता चला जाएगा, सिगरेट का स्मोक बैठता चला जाएगा, तो वो लंग्स को हार्ट करेगा। तो बॉडी जब हम जब सांस लेंगे, जितना हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए उतना लंग्स को जो है कि फूलना चाहिए, तो वो हार्ड हो जाएगा तो उतना फूलेगा नहीं, ऑक्सीजन कम आएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस होता है, तो हमारी बॉडी भी पॉइजनस हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और लोग उसी में घुट करके मर जाएंगे, अपने आप बड़ी जहर बना के मर जाएगी, समझे? वो देखो दो तरह से स्मोकिंग होता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। उसने जो धुआं लिया, ठीक है, तो जिसने जो सिगरेट पी रहा है वो एक्टिव है, और जो उसके बगल में खड़ा हुआ है उसको जो एनवायरनमेंट से जा रहा है उसके, वो पैसिव है। असर तो दोनों को करेगा, लेयर तो उसका दोनों के लंग्स पे बैठेगा, समझे? अब वो जितना धुआं लेता है पूरा तो एक बार में नहीं बैठ जाता है, बाहर तो निकलता है, तो अब जो उसमें से हमारे इसमें आएगा तो मेरे ही उसको बैठेगा। तो इसीलिए जो स्मोकिंग करे ना, कहीं पर भी आप पब्लिक प्लेस में हो, कहीं पर भी हो, अगर कोई स्मोकिंग करे, आप बोल्डली उसको मना कर सकते हैं कि आप यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कीजिएगा, आपको नहीं करना है, वो नहीं कर सकता है स्मोकिंग, ये बॉन्ड लगा हुआ है, प्रतिबंधित है ये सब, समझ गए? बल्कि दूर हट जाइए ऐसे लोगों से, मत जाइए उनके पास स्मोकिंग करने वाले लोग, गंदे लोग, और क्या, एनवायरमेंट को खराब करते हैं। घर में बैठ कर अगर स्मोकिंग करेंगे, उनके बच्चे हैं, वो भी तो पैसिव, उनको भी तो पैसिव स्मोकिंग होगा, उनको भी उतना असर करेगा, अपनी जिंदगी भी तो जाती है। खैर, कार्बन डाइऑक्साइड इज पॉइजनस इन लार्ज अमाउंट, सो द ब्लड स्ट्रीम कैरीज इट्स अवे टू बी ब्रेथ आउट बाय द लंग्स। तो ब्लड स्ट्रीम क्या करता है, उसको कैरी करके ब्रीथ के जरिए, ब्रीथ जो हम लोग करते हैं उसको कैरी करके लंग्स के जरिए बाहर निकाल देता है। तो हम लोग एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। 2 मिनट से ज्यादा हम लोग बिना सांस लिए नहीं रह सकते हैं, 3 मिनट मैक्सिमम, 3 मिनट, ठीक है, दम घुट के मर जाएंगे, दम घुट के मर जाएंगे, है ना? कितना फास्ट ये काम होता है। तो इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम लोग केमिकली समझ लिया जाए, जो हम लोग खाते हैं, जो चीज हम लोग खाते हैं, खाने का डाइट, जैसे हमने आप लोगों को बताया था, क्या क्या बताया था, स्टार्ची, सबसे ज्यादा स्टार्ची, उसके बाद है आपको वेज, है ना, फ्रूट और वेज है, मीट एग है, पल्सेस है, दाल है, डेयरी फूड है, और सुगरी है। ये सब हम लोग खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, और अपने एज और एक्टिव और इनएक्टिव के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कैलोरीज लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जाता है, हम लोग खाते हैं, इंटेस्टाइन उसको तोड़ता है मॉलिक्यूल्स में, उसको एंजाइम क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को जो कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ करके शुगर में क्या करता है, शुगर में, हाँ, शुगर के मॉलिक्यूल्स में उसको स्मॉल शुगर दम पार्ट्स में उसको कन्वर्ट कर देता है एंजाइम्स तोड़ करके उसको, ठीक है। तो वो क्या बनता है, कौन सा शुगर बनता है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, C6H12O6, ठीक है, ये फॉर्मूला, ये शुगर का जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर लिखा हुआ, इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि किस तरह का शुगर हमारा बॉडी बनाता है, उसका फॉर्मूला है। और ऑक्सीजन जो हमने सांस से लिया, जो हमने
सांस से लिया ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों के रिएक्शन पे केमिकली जब ये रिएक्ट करते हैं, केमिकली जब ये रिएक्ट करते हैं और ये फिर क्या करते हैं, रिएक्ट करने के बाद एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शन होता है, तो फिर क्या होता है कि उसमें से, उस मॉलिक्यूल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है, एनर्जी अलग हो जाती है। एनर्जी क्या करती है, बॉडी रख लेती है, बॉडी एनर्जी को रख लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अदर प्रोडक्ट्स वेस्ट के रूप में, शक्ल में उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देती है। ये आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। कोई भी खाना हम लोग खाएंगे, किसी भी तरह का खाना हम लोग खाएं, मीट खाएं, मछली खाएं, अंडा खाएं, वेज खाएं, स्टार्च खाएं, डेयरी फूड खाएं या सुगरी खाएं, कुछ भी खाएं, वो क्या बनेगा लास्ट में जाकर के, एंजाइम्स उसको तोड़ करके क्या बना देगा, शुगर बना देता है, ठीक है। वो शुगर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद वो क्या, एनर्जी ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीन चीज को बनाता है। फिर क्या होता है, इसको केमिकल बॉन्ड्स को, इसको क्या होता है, ये तोड़ता है, तोड़ करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लेगा, वाटर, वेस्ट वाटर को अलग कर लेगा और एनर्जी को अलग कर लेगा। पहले तीनों साथ में रहेंगे, फिर तीनों को वो अलग करेगा, वेस्ट अपने जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, वाटर जाएगा और एनर्जी बॉडी में रह जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद आइए माइक्रोकॉन्ड्रिया पर। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको सेलुलर रेस्पिरेशन में, इतना तो समझ गए हैं, थोड़ा सा एक बार घर पे पढ़ भी लीजिएगा तब भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सना को नहीं समझ में आया, शक्ल देख के लग रहा है उसका, नहीं ना, सब पार हो गया। माइक्रोकॉन्ड्रिया, सेल्युलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइक्रोस्कोपिक पावर प्लांट कॉल्ड माइक्रोकॉन्ड्रिया। सेल्यूलर जो रेस्पिरेशन होता है वो कहां से होता है, कौन से पावर प्लांट से होता है, सेल के, माइक्रोकॉन्ड्रिया से होता है, यानी सेल का जो पार्ट माइक्रोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पायरेट करता है, क्या करता है, रेस्पायरेट करता है, रेस्पिरेशन करता है, समझ गए। माइक्रोकॉन्ड्रिया का वर्क पता चल गया आप लोगों को, ये बहुत पावरफुल होता है, ठीक है, पावर प्लांट है ये, उसका सेल का पावर प्लांट है जो रेस्पिरेशन करता है, उसका नाम क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, विच आर फाउंड इन एवरी सेल, ये हर सेल में होता है जी, कोई ऐसा सेल नहीं होगा जिसमें नहीं होगा, अगर अगर किसी सेल में नहीं होगा तो वो सेल ब्रीथ ही नहीं कर सकेगा, तो ऑक्सीजन को वो कैसे यूज करेगा, नहीं कर पाएगा ना, इसलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया होगा ही होगा हर सेल में। सम सेल हैव ओनली वन और टू माइक्रोकॉन्ड्रिया, बट अ सेल दैट यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी सच एज मसल सेल मे हैव हंड्रेड्स। कुछ सेल, सेल कितने तरह के होते हैं बॉडी में, 2000 गलती से बोल दी थी, 200 से भी ज्यादा तरह के सेल होते हैं, और एक मैच्योर्ड हेल्दी जो इंसान होता है उसके बॉडी में कितने सेल होते हैं, 75 ट्रिलियन सेल होते हैं। तो हमारे बॉडी में 200 तरह से ज्यादा के सेल हैं, कुछ सेल का हम लोग नाम भी जानते हैं, है ना, जैसे कुछ सेल का नाम बताओ,
blood cells, blood cell, कुछ सेल का हम लोग नाम जान रहे हैं, है ना, व्हाइट ब्लड सेल भी होता है। तो इन सब सेल में अपना मसल सेल भी है, इसमें पढ़ा है, एक सेल और जान गए आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया हर सेल में होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया हर सेल में होता है, किसी में एक, किसी में दो, और लेकिन सबसे ज्यादा ये मसल सेल में होता है, 100 के करीब ये माइक्रोकॉन्ड्रिया मसल सेल में होता है, क्योंकि मसल सबसे ज्यादा हमारा वर्क करता है ना, तो इसको रेस्पिरेशन भी ज्यादा करना पड़ता है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा माइक्रोकॉन्ड्रिया रहेगा तभी तो बढ़िया सा ब्रेथ कर पाएगा, समझे। इतना तो टेक्निकली आप लोग पढ़ के भी समझ सकते। Each mitochondria is enclosed by two membranes. हर mitochondria जो होता है, वो दो membranes से जुड़ा हुआ होता है। A flat outer membrane and a deeply voided inner membrane. ये जो mitochondria है, यहाँ पे picture बना हुआ है, ये दो तरह के एक मेम्ब्रेन से होता है जुड़ा हुआ, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लैट होता है और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो वॉइडेड होता है, घुमा हुआ होता है, ठीक है। आगे देखें, द केमिकल रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन हैपन ऑन द इनर मेम्ब्रेन। रेस्पिरेशन का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो इनर मेम्ब्रेन्स में होता है, इस अंदर वाले इनर मेम्ब्रेन्स में होता है, बाहर वाले में नहीं होता है, अंदर वाले में होता है, इनर मेम्ब्रेन्स में। तो अब बता सकते हैं अब आप लोग कि माइक्रोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन्स होता है उसमें ही केमिकल रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन का, ठीक है। एक चीज और है इसमें जानकारी की, माइक्रोकॉन्ड्रियन हैज इट्स ऑन डीएनए। यहाँ पे हम इसीलिए इसे लिखवा दिया था कि माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका अपना खुद का डीएनए होता है जी, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। और डीएनए में क्या होता है पता है आप लोगों को, कमांड होता है, है ना, स्ट्रक्चर बनाने का, कैसा बनाना है। सेल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सुंदर हैं या बदसूरत हैं, आपकी नाक खूबसूरत है या चिपटी है, आप गोरे हैं कि काले हैं, कि मोटे हैं कि पतले हैं, सेल को उससे नहीं लेना, आप टेढ़े हैं कि कुबड़े हैं, सेल को उससे कोई मतलब नहीं होता है। सेल को सिर्फ काम होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना, टिश्यू बनाना, मसल्स बनाना, बोन्स बनाना, वो डीएनए जैसा कमांड देगा सेल उसको वैसा बना करके दे देगा। सेल सिर्फ दो चीज देखता है, सेल दो चीज देखता है, अगर रहने की जगह अच्छी है, सही है, रहने लायक है, तो सेल रिप्रोडक्शन करेगा, क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। अगर नर्सिंग है, रहने के लायक है, अच्छी जगह है, सब चीज आसानी से मुहैया हो रही है, तो सेल वहां पर क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। अगर रहने की जगह खतरनाक है, अच्छी नहीं है, माहौल खराब है, जान का ललक पड़ा हुआ है, मुश्किल है, तो सेल वहां पर सबसे पहले अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करेगा, सेल अपने आप को पहले वहां पर जिंदा रखने की कोशिश करेगा। ये सेल का नियम है, उसका कानून, ठीक है, हो गया। अब आगे देखें, फूड प्रोसेसर जी, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन आर कैरीड बाय द ब्लड टू एन ऑर्गन
called the liver. ये liver क्या करता है? Nutrients, intestine से nutrients को absorb करके blood से carry करके भेजता है. इसका काम है. Liver का बहुत बड़ा काम है body के अंदर. बहुत जबरदस्त function करता है ये. लीवर क्या है? एक केमिकल प्लांट है. केमिकल प्लांट है. ये अपने आप में अकेला एक ऐसा प्लांट है जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके, है ना, ब्लड के जरिए भेजता है. ब्लड के जरिए भेजता है न्यूट्रिएंट्स. किससे जाता है? सेल तक. ब्लड से ही जाता है ना जी. ये लीवर का काम है. द लीवर स्टोर्स हंड्रेड ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स आर कैरीज आउट मेनी केमिकल प्रोसेस. हाँ, ये 100 से ज्यादा खास तरह के केमिकल कंपाउंड को रखता है और केमिकल प्रोसेस करके क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स तैयार करके ब्लड के जरिए सेल तक भेजता है, पहुंचाता है. समझ गए? ये लीवर का काम है. किसका? लीवर का काम है. इसीलिए कहा जाता है कि लीवर खुश इंसान खुश. अच्छा बढ़िया खाए. समझ गए? सबसे ज्यादा लीवर डैमेज होता है अल्कोहल से. इसका तो काम है ना, पचाना है. जब लीवर ऐसी चीज होती है, बॉडी का ऐसा इंटरनल ऑर्गन्स है जो बहुत मुश्किल से बीमार पड़ता है. अगर लीवर बीमार हो गया तो समझ लीजिए कि हालात अच्छे नहीं है. जैसे जॉन्डिस वगैरह जो हो जाता है. मेजर लीवर फंक्शन कन्वर्ट सुगर मॉलिक्यूल्स इनटू अ सब्सटेंस कॉल्ड ग्लाइकोजोन फॉर द शॉर्ट टर्म स्टोरेज. ये क्या करता है, सुगर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट, हम बताए ना ये एक तरह का सुगर है, ये ग्लाइकोजोन. ठीक है, तो ये क्या करता है, सुगर मॉलिक्यूल को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, थोड़ी देर के लिए, फिर उसको रिलीज करेगा. रिमूव पॉइजनस, जहर को रिमूव करता है. जो भी पॉइजनस कंपाउंड होते हैं उसको क्या करेगा, ब्लड में से रिमूव कर देगा, चाहे वो ड्रग्स हो या अल्कोहल मेका हो. इसीलिए मना किया जाता है कि ड्रग्स और अल्कोहल नहीं लेना चाहिए. ये तो अपना काम तो करेगा ही. अरे कंटिन्यू दारू के आदि लोग होते हैं और उनको बोलो कि दारू छोड़ दो तो बोला तो इतना डिसिप्लिन है, कहाँ कुछ होता है, लीवर तो नहीं खराब होता है. और एक ही दिन पता चला कि नजर आ रहे हैं हॉस्पिटल में आप तब वाली हालत हो. लीवर एकाएक बीमार पड़ता है बहुत देर. लीवर खुद को पहले बर्दाश्त करके रखता है, मजबूर करके रखता है. ठीक है, जब लीवर के कंट्रोल के बाहर हो जाता है, एकदम उसके कष्टक के लिमिट के बाहर होता है, तो लीवर बीमार पड़ जाता है और इंसान हॉस्पिटल में पहुंच जाता है. या तो लीवर को काटना पड़ता है या ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है. इसलिए ड्रग्स और अल्कोहल ये सब नहीं लेना चाहिए. और ये सब के लायक हमारी बॉडी भी नहीं है, है ना. ये सब के लायक हम एवोल्यूशन ने जो हमारी जो हमको बनाया है, हम नशा नहीं कर सकते हैं. अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग का बॉडी अगर नशा को बर्दाश्त करने के लायक होता तो कभी भी ये ड्रग्स और अल्कोहल या खाने वगैरह ये सब कंपाउंड में से कभी भी पॉइजन या टॉक्सिस को रिमूव करता नहीं करता. हम इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमारी बॉडी ऐसी नहीं है. लोग नशा करते हैं, दारू पी लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं तो उनको क्या होता है, बॉडी डिसऑर्डर हो जाती है, माइंड कंट्रोल के बाहर होता है, यानी हमारी बॉडी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रही है. और कुछ लोग तो दारू पी के ऐसे दिखाते हैं कि हम तो एकदम नॉर्मल है, हमको तो कुछ हुआ नहीं है, तुम्हारी बॉडी यूज टू हो रही है यार, लेकिन असर तो लीवर पे पड़ ही रहा है ना. और अल्लाह ताला ने भी कुरान में मना किया, तो इसीलिए ना मना किया, इसीलिए मना किया.
अगर दारू हमारे लिए सही होता तो उसको पीने के बाद कभी नशा नहीं चलता, हम काबू के बाहर नहीं, वो हमारी बॉडी के लिए है ही नहीं, नशा है ही नहीं, समझ गया। आगे देखें, प्रोड्यूस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल, ये क्या करता है, एक डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करता है जिसको बाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइल, हाँ, विच हेल्प ब्रेक डाउन फैट्स इन द इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर फैट को ब्रेक करता है, और फैट को ब्रेक करके क्या बनाता है, फैटी एसिड्स बना देता है, समझ में आया, तो मैं बहुत तेज है ये सर, H2O भी बोल देती, मैं आई ड्रिंक H2O सर, ठीक। आगे देखें, स्टोर द विटामिन्स, विटामिन को भी स्टोर करता है, जैसे विटामिन ए, B12, डी, ई एंड के एंड वेरियस मिनरल्स, और कई तरह के मिनरल्स को भी, इंक्लूडिंग आयरन एंड कॉपर, इंक्लूडिंग आयरन एंड कॉपर। एक एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। ये कब होती है, जब लीवर में कॉपर ज्यादा हो जाता है, तो लीवर क्या करेगा, प्रोटीन बनाना बंद कर देगा, बॉडी प्रोटीन बनाना बंद करेगा, तो ऐसे में क्या होगा कि पेट फूल के इतना बड़ा हो जाएगा और हाथ पैर एकदम सूख जाएगा। वो उसका एक ही सॉल्यूशन है, लीवर ट्रांसप्लांट कराइए, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं देते हैं एलोपैथिक डॉक्टर जी। एक बच्चा दिखाया था ना, हाँ, उसको लीवर सिरोसिस ही था, वो डेथ कर गया, नहीं बचा, हाँ डेथ कर गया, उसका हम लोग लिक्विड वगैरह भी निकलवाया था ले आके, डेथ कर गया। और इतना हम लोग के पास पैसा नहीं था कि हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट करा सके, 15 लाख रुपए कहाँ से ला। खैर आगे देखें, टर्न्स एक्सेस प्रोटीन इनटू फैट टू प्रोवाइड एन एनर्जी स्टोर, और जरूरत से ज्यादा जब प्रोटीन हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको फैट में बदल करके उसमें एनर्जी स्टोर कर देता है। अब इतना में आप लोग बताइए कि कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो, 5-10 मिनट देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, कोई क्वेश्चन हो हमसे क्वेश्चन रेस कीजिए, क्योंकि अभी बोर्ड पे बना हुआ भी है,